हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं हूँ रिमी। इस वीडियो पे आप देखेंगे ये ब्यूटीफुल सी स्टोल पेंटिंग। इसको आप कोई भी बचा हुआ कपड़े से कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने भी वही किया है। और इसके ऊपर जो वर्ली पेंटिंग है, इसको भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कलर के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, ये है फेब्रिक्रिल की फैब्रिक कलर और ये है फेब्रिक्रिल की एक्रेलिक कलर। इसको मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, बट फैब्रिक कलर मार्केट में ये आसानी से नहीं मिलती है और ये ऑनलाइन ही ज़्यादा परचेस कर सकते हैं। और इसके साइड पे मैंने स्टिचिंग बाद में करूँगी ये स्टोल की। और स्केल की आप देख सकते हैं, दो साइड से भी मैंने मार्क कर रही हूँ। पेंसिल से मार्क करने के टाइम एकदम हल्के, एकदम लाइट करके मार्क करें। एक्चुअली ये दुपट्टा के बाद ये कपड़ा थोड़ा बचा था, तो मैं सोची इसको बिना वेस्ट करके इसको एक स्टोल बना लेती हूँ। और कलर देखिए, ये है, मैं ब्लैक फैब्रिक कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कपड़े के लिए फैब्रिक कलर ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले ऊपर और नीचे एकदम बॉर्डर लाइन बॉर्डर कर लेना है, देखिए ऐसे क्रॉस की तरह। आप चाहे तो पहले पेंसिल से पूरा मार्क कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ कोई मार्किंग नहीं किया है, सिर्फ आउटलाइन किया है। बॉर्डर जितना ब्रॉड होगा उतना आप इसको पहले एकदम पेंसिल से पूरा कर सकते हैं, ताकि एकदम सारे गैप आपकी इक्वल रहेगी। और इसके लिए फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यह राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, 0 नंबर की राउंड ब्रश। और कलर ब्लैक फैब्रिक कलर, आप एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और क्या है, कपड़ों के लिए एक्रेलिक कलर से ज़्यादा फैब्रिक कलर अच्छा होता है, लॉन्ग लास्टिंग, और इसकी फेड होने की चांसेस भी बहुत कम होती है। और मेरी ये स्टोल है, ये रेयन सिल्क, आप कोई कॉटन के ऊपर भी आप कर सकते हैं। देखिए पहले इस तरीके से पहले पूरा कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ देखिए एकदम छोटी सी हार्ट शेप की तरह, और इसके अंदर देखिए इसको भी पूरा कलर ब्लैक कलर से फिल कर देना है, देखिए इस तरीके से। तो आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको बन जाएगी। इस तरीके से ब्लैक भी इसके अंदर पूरा एकदम कलर फिल कर देना है। ध्यान रहे कलर आपके हाथ पे ना लग जाए, हाथ से कलर फिर कपड़ों के ऊपर पूरा लग के ख़राब हो सकती है। अब देखिए दोनों साइड पे जहाँ मार्किंग की थी वहाँ हमें वार्ली पेंटिंग, वार्ली कैरेक्टर को कर लेना है। इसको भी बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। और इसको आप आलू से भी बना सकते हैं, ब्लॉक, आलू के ब्लॉक काट करके। इसके लिए इस टाइप के वीडियोस बहुत सारे हैं मेरे चैनल पे, आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिए। ये है गर्ल कैरेक्टर, आप कोई मेल कैरेक्टर भी बना सकते हैं, मैं बनाऊंगी। तो और इसके अंदर जो कलर फील करना है वो मैं बाद में कर रही हूँ, अभी सिर्फ ये आउटलाइन कर रही हूँ। और ये आउटलाइन भी मैं थोड़ी देर बाद थोड़ी सी और ब्रॉड बनाऊँगी, है ना, बहुत आसान। बट ये स्टोल बहुत लंबा है इसलिए टाइम मुझे थोड़ा लगा। ये देखिए इसकी हेड एकदम पूरा ब्लैक, और ये अंदर कलर और थोड़ी देर बाद फिल कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लैक अभी भी थोड़ी कलर अभी ड्राई नहीं हुआ है इसलिए। देखिए इसके अंदर मैं वाइट कलर कर रही हूँ ऊपर में, अब इसके नीचे ऐसे वाइट कलर कर रही हूँ। सारे एक जैसे नहीं करना है इसलिए, आप चाहे तो सारे एक जैसे भी कर सकते हैं। और यहाँ स्काई ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ किसी किसी के में पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। अब ये अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद ये वाइट कलर इसके ऐसे डॉट डॉट कर सकते हैं, इस तरीके के भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यह ब्लैक कलर ड्राई होने के बाद यह स्काई कलर से कर लेना है। मैं यह ज़्यादा कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये स्काई ब्लू मैं एक्रेलिक कलर की यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फैब्रिक कलर में स्काई ब्लू कलर नहीं है इसलिए। एक्चुअली फैब्रिक कलर में ज़्यादा शेड है नहीं, सिर्फ 10 ही मुझे मिला था। मैंने ऑनलाइन जितना भी ढूंढा मुझे सिर्फ 10 ही मिला, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलता है। और ये मार्केट में ईजीली
पता नहीं क्यों नहीं मिलती है। एक्रेलिक कलर बहुत आसानी से मिल जाती है कोई भी लोकल स्टेशनरी शॉप पे। और यहाँ मैं पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ, बट ये ब्लैक कलर पहले ड्राई हो जाए उसके बाद ही इसका यूज़ करें, नहीं तो कलर स्प्रेड हो जाएगी। और कलर करने के टाइम यह देख सकते हैं आप, नीचे मैंने एक कार्डबोर्ड रख दिया है। आप कोई भी थिक पेपर रख सकते हैं, न्यूज़पेपर मत रखिए, कोई थिक कोई पेपर रख सकते हैं। हम ऑनलाइन से जब ख़रीदते हैं तो बहुत सारे वो बॉक्स आते हैं, तो उसको कट करके भी जो कार्डबोर्ड रहते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आप एक साइड पे बन गई है, अब दूसरे साइड पे भी ऐसे वर्ली पेंटिंग को कर लेना है, ऐसे डॉट डॉट कर लेना है। देखिए इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब ये छोटी छोटी वर्क आप जितना करेंगे उतना ही आपकी पेंटिंग की खूबसूरती ज़्यादा होगी, तो इसको ज़रूर करें। और करने से पहले इसको अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद करें। अब ये नीचे की बॉर्डर भी मैं कर रही हूँ सेम तरीके से जैसे कि ऊपर ऊपर में किया था। আর যদি বাঙালি হও আমাকে বাংলাতে কমেন্ট করতে পারো, কি জানতে চাও আমাকে পুরো বলতে পারো, কোনো ব্যাপার না, আমি বাংলাতেই তোমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেব। और मेरी एक ब्लॉग की चैनल है बंगाली में, आप चाहे तो उसको एक बार देख सकते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी आप उसको एक बार ज़रूर देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। और आफ्टर वॉश ये कलर कुछ भी नहीं होता है, फिर भी आपको और भी जानकारी चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो की, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सी कलर मतलब किस कितने कितने कलर्स होते हैं ब्रश के लिए, सब आपको मिल जाएगी। कैसे कपड़ों को मेंटेन करना है, सिल्क के ऊपर कौन सा यूज़ करें, कॉटन के ऊपर कौन सा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो इस उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब देखिए इस बॉर्डर के लिए मैं ये ब्लैक कलर ये बाद में यूज़ कर रही हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए सारे इस पेंटिंग तो हो गई है, अब छोटी छोटी ये लटकन बनानी है। इसको कैसे बनाते हैं इसके मेरी एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी ये लटकन कैसे बनाते हैं। ये भी वेस्ट कपड़ों से ही बनाया है, घर पे आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर ऐसे कलर करना है, मैं ये ऊपर के कर रही हूँ, मैं बैक साइड पे भी और एक बार ये सेम डिज़ाइन करूँगी, क्योंकि जब ये टर्न होते हैं तो सेम होगा, इसलिए देखिए कितनी आसान डिज़ाइन है। और अगर आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस तरीके से वीडियो देखना पसंद है। तो देखिए ये बन गई है, मैंने 8 पूरे ये लटकन किया है। तो अब देखिए यहाँ मैंने ऊपर पे भी किया है, ये बनाते बनाते एक्चुअली रात हो गई थी, और ये बैक साइड पे भी किया है। इसको मैं हाथ से स्टिच करके लगा दिया है बाद में, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।